रशीद आगाज करेंगे अब तक की अहम सुर्खियों के साथ। चलिए पेश है खबरों की तफसील। बात सबसे पहले मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की, चूंकि दाल हुकूमत दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर की बात हुई और मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट में एक बार फिर तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 साल से लेकर गुजश्ता 3 वर्षों में फौज और दीगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज पर 1000 से ज्यादा मिलिटेंटों के हमले किए गए और 177 एहलकार जाँ बहक हुए। राज्यसभा में मेम्बरान पार्लियामेंट आनंद शर्मा के जवाब में वजीर ममलिकत दिफा अजय भट्ट ने कहा कि 2019 में 594, 2020 में 244 और नवंबर 2021 के वस्त तक 195 मिलिटेंट हमले रिकॉर्ड किए गए। साथ ही राज्यसभा को यह भी जवाब दिया गया कि 2019 में सीआरपीएफ समेत 80 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार, 2020 में 62 और 15 नवंबर 2021 तक 35 फोर्सेज अहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। अजय भट्ट ने यह भी जानकारी दी कि कोविड-19 की वजह से 137 फौजी, 49 फिजाइया और 4 बहरिया के अहलकार जान से हाथ धो बैठे। दिफाई अमले और उनके अहले खाना और सिविलियन अमले की कुल तादाद की तफसीलात के बारे में रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संतानु सेन के अलग अलग सवालात के जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि कोविड-19 की वजह से भी हाजिर सर्विस फौजी अहलकारों के खानदान के 1311 अफराद और 276 दिफाई सिविलियन अमले की मौत हुई है। साथ ही यह भी कहा कि फिजाइया के 114 अहले खाना और फिजाइया के 41 दिफाई सिविलियन अमले के अलावा हाजिर सर्विस बहरिया के अहलकारों के 66 खानदान और दिफाई सिविलियन अमले के 96 खानदान के अफराद इस मर्ज की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। तफसीलात यह भी दी गई कि मौजूदा कवानीन के मुताबिक मुसल्ला अफवाज के अहलकारों को वजारत दिफा की तरफ से मुतअद्दी बीमारी से होने वाली अमवात के लिए कोई खास मुआवजा फराहम नहीं किया जाता जब वो सर्विस में नहीं होते हैं। ताहम सर्विस के दौरान पार्लियामेंट को यह बताया गया कि मौत के ऐसे तमाम मामलों को टर्मिनल फवायद फराहम जरूर किए जाते हैं। इधर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बेरोजगारी की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। पहले कई आदादोशुमार सामने आए थे जिनकी सरकार ने भी अब तस्दीक कर दी है। लोकसभा में हुकूमत की तरफ से पेश किए गए आदादोशुमार के मुताबिक मुल्की सतह पर बेरोजगारी की सतह में कमी जरूर आई है। साल 2017-18 में कौमी सतह पर बेरोजगारी की शरह 6% थी, 2018-19 में ये गिरकर 5.8 रह गई और 2019-20 में ये घटकर 4.8% तक पहुंची। ताहम मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ है। 2017 में जो शरह बेरोजगारी की यूनियन टेरिटरी के अंदर थी तब रियासत हुआ करती थी 5.4% थी, 2018-19 में 5.1% रही, लेकिन 2019-20 में सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक ये 6.7% तक पहुंच गई और आदादोशुमार हुकूमत ने लोकसभा में पेश किए। वजीर आजम कौशल योजना 2018-19 में जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए शुरू की गई थी स्कीम के मुतालिक भी जानकारी देते हुए बताया गया और सरकारी आदादोशुमार में बताया गया कि 17,332 खवातीन को तरबियत फराहम की गई, 1,000 को इनमें से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर रोजगार मिला। 2019-20 में 51,000 खवातीन को तरबियत फराहम की गई लेकिन सिर्फ 5,841 खवातीन को ही रखा गया और साल 2020 और 2021 के दरमियान 23,000 खवातीन को तरबियत फराहम की गई और सिर्फ इन 23,000 खवातीन में से सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 3,287 खवातीन को ही रखा गया जो रोजगार के अहल समझी गई। साल 2020-21 में 565 खवातीन को तरबियत फराहम की गई और तकरीर सिफर थी,
एक मुवस्सिर ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ी कंपनियों को मदऊ करके और लोगों की सलाहियतों को बढ़ाने के जरिए रोजगार फराहम करने की हुकूमत के बुलंदोबांग दावे इस तरह कारामत साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नई बनाए गए मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में बेरोजगारी के आदादोशुमार बढ़ रहे हैं। और CMI रिपोर्ट भी बताती है नवंबर 2021 में भारत 7.1 पर जहां बेरोजगारी की शरह में था, वहीं यूनियन टेरिटरी के अंदर 22.2% थी, हरियाणा में 30.7 और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये शरह 29.1% दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी वजीर दाखिला अमित शाह की सीट पर दफा 370 के नाम से स्पोर्ट्स लीग शुरू करने जा रही है। अहमदाबाद सिटी में बीजेपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी जीतू भाई पटेल के मुताबिक लीग का नाम आर्टिकल 370 के नाम पर रखा गया है, जिसे 2019 में वजीर दाखिला अमित शाह की कयादत में मंसूख किया गया था और दिसंबर के वस्त में टूर्नामेंट शुरू कराने का भी मंसूबा बीजेपी ने बना लिया है। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी लोकसभा हलका के अंदर जहां की नुमाइंदगी वजीर दाखिला अमित शाह करते हैं, गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 के नाम से करने का मंसूबा बना रही है और गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 के लेबल के तहत क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट्स की मेजबानी करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसके तहत खेल मुकाबले होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को पार्टी की तरफ रागिब किया जा सके और पार्टी से जुड़ सके। मकामी रहनुमाओं ने यह भी कहा कि अहमदाबाद सिटी के अंदर जहां पर तैयारियां बड़े पैमाने पर कर ली गई हैं, 2019 में अमित शाह की कयादत में 370 आर्टिकल मंसूख किया गया और इसी सिलसिले में दिसंबर के वस्त में एक बड़ी कामयाबी के तहत टूर्नामेंट शुरू करने का मंसूबा है। 7 असेंबली हल्के जिनमें वेजलपुर के अलावा घाटुलडिया, नारायणपुरा, साबरमती, इसके अलावा गांधीनगर शुमाली हिस्सा और सानंद का वो इलाका जो इस लोकसभा सीट के बीच आता है, वहां ये बड़े पैमाने पर तैयारियां बीजेपी ने कर ली है। और लोकसभा हल्के में अहमदाबाद और गांधीनगर में तकरीबन 1800 बूथ हैं और बीजेपी के मकामी अहदेदारों के मुताबिक टीमों, मकामात और मुबसरीन की शनाख्त से लेकर कवायद वाजे करने तक की जिम्मेदारियां पहले ही सौंप दी गई हैं। मुल्क भर के अंदर टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से मोबाइल रिचार्ज के टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं और ये दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। इसका असर जम्मू सूबे के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ता मोबाइल का इस्तेमाल सार्फिन के लिए आसानियों के बजाय मौजूदा वक्त में परेशानी का सबब बनने लगा है। टेलीकॉम कंपनियां आवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम रही हैं, जिस पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आवाम ने टेलीकॉम कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए और उन दावों पर भी जो कई बरस कबल किए गए थे कि अवाम को मुफ्त इंटरनेट और कॉलिंग भी खिदमात सस्ते दामों पर मिलेंगी, ताहम सूरत हाल आज मुसलसल बदलती नजर आ रही है, जिसका बोझ सार्फिन पर पड़ा है। जितने भी नेटवर्क सर्विसेज हैं या सबके प्लान बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, अभी जैसे कि पहले एयरटेल ने बढ़ाया 25%, अभी जियो ने 20% बढ़ा दिया 1 तारीख से, लेकिन इनकी नेटवर्क सर्विस जो है आप देखोगे दिन में 4 घंटे चलती है, 6 घंटे बंद रहती है, फिर 2 घंटे चलती है। कस्टमर तो ऑलरेडी परेशान है, लेकिन दिन ब दिन इनका नेटवर्क सिस्टम जो है महंगा होता जा रहा है, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज के टाइम में जैसे कि कोरोना चल रहा है, सब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, माँ बाप को घर पे तो इनका नेटवर्क सिस्टम लगाना जरूरी है, नेट सिस्टम, लेकिन जैसे कंपनियां दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है, गरीब बंदे के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार से मेरी यही अपील है कि जितनी भी ये नेटवर्क कंपनियां हैं, जितना अपना जो है परसेंटेज बढ़ा रही हैं, इन पे थोड़ी सी रोकथाम लगानी चाहिए। एयरटेल वगैरह और आईडिया चाहिए, सबने तो रेट बढ़ा दी अपने, कम से कम 20-25% का रेट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब पहले आया न्यूज में आया कि जियो वाले भी रेट बढ़ा रहे हैं 45 से, क्योंकि आगे ही महंगाई का इतनी महंगाई हो रही है कि हालात आगे खराब है। उधर से कोरोना से लोगों को मार पड़ी है, लोग आगे ही मुश्किलों से घर चला रहे हैं, जैसे कंपनी अपने अपने ही बस रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो कैसे लोग आगे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। जिला उधमपुर के प्रोआ जागीर गांव में अवाम बिजली की तरसीली लाइनों की खस्ताहाली से बेबसी का शिकार है। इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें लोगों के घरों से टकरा रही हैं और कई इलाकों के अंदर ये तरसीली लाइनें आरजी खंभों से लटकी हैं या दरख्तों पर नजर आती है, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। इलाके में बिजली की गैर ऐलानिया कटौती और कम वोल्टेज भी लोगों के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। उधमपुर जिले के जागीर और
प्रोया गांव के अवाम ने इंतजामिया से इस मामले में संजीदगी जाहिर कर उनके मसाइल को हल करने की मांग की। हमारे इधर जो भी लाइट लगी है वो उसके लिए ना ही हमें कोई पोल है ना कुछ। मेरी 25-26 साल उम्र हो गई है तब से मैं यही चीज देख रहा हूँ ना। इधर मतलब जो तारे हैं अगर इंसान उनके नीचे से चला जाए तो उसके मतलब जिस्म से टच हो जाती हैं। और इसके चलते ही बीच में ऐसे हादसे हो गए कि हमारे जो जानवर पशु हैं वो भी मतलब ज्यादा कम नहीं बोलता लेकिन 10-15 पशु जो मतलब मर चुके हैं इसकी वजह से। और 2-3 हादसे ऐसे भी हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी उन तारों से टच हो जाते हैं। इतनी नीचे तारे हैं वो, छोटे छोटे बच्चे भी उनसे टच हो जाते हैं। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से इधर हॉस्पिटल भी बड़ी दूर है, बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचाना पड़ता है। सर कोई लगभग 40-45 घर हैं जिनके घर पे ऐसी मतलब स्थिति है, मतलब तारे भी नीचे हैं ना किसी के पास पोल है। देखिए आप, मैं बता सकता हूँ कि ये ऊपर जो मतलब पेड़ों के ऊपर जो जिंदा पेड़ है उनके ऊपर ये तारे लगाई गई हैं। अभी काफी डर रहता है। लगभग 2012 में बिजली विभाग ने हमें पहला आश्वासन दिया था कि आपके इलाके में कंप्लीट तारे लगाई जाएंगी, मगर आश्वासन ही रहा। आज भी हम यही देख रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट वाली तार, कंटे वाली तार लगी है, कहीं कोई ऐसे क्या कहते हैं सिंगल तारें करके लगाई हुई हैं। आश्वासन से आश्वासन मिलता रहा है। 2-4 बार हमारे मेरे पिताश्री तो जहाँ के सरपंच भी रहे हैं उनके समय में 7 ट्रांसफार्मर तो लगे मगर कई तारों का समस्या हमारी हल नहीं हुई। लगभग कोई 79 पोल और मिले और 9 किलोमीटर के करीब अगर तार मिले तो ये हमारा समस्या हल हो सकती है। हम जटूराम है, मैं गांव पुरवा जगीर का रहने वाला हूँ और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि आप, मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए और हमारा थोड़ा सा कोई मिला हमें। तो जो बिजली की आप बात कर रहे हो तो आप खुद भी देख लीजिए और सारे जहाँ पर 1978 में बिजली लगी थी और आज तक वो भी जीछड़ है, तारें टूट रही हैं, लोग मजबूर हैं और बिजली का बिल भी हर घर दे रहा है। जहाँ को डिपार्टमेंट हमें बताए कि हमारी तरफ से कोई किसी का बिल नहीं जा रहा है वो भी पूरा जा रहा है और लोग मजबूर हैं कि करें तो करें क्या। देखो ये जिंदा बूटे आप खुद दे रहे हो, जिंदे दरख्त हैं, इसके ऊपर तारें बांधी हुई हैं, खतरा है। कई बार जहाँ पर हम जहाँ से करंट लगी बच्चे होते हैं उनको नहीं मालूम होता इसका, और बच्चों को लेकर जहाँ से हॉस्पिटल भी दूर है और वहाँ तक गए ताकि उनकी थोड़ी जान बची, और जहाँ पर जो पशु जानवर हैं उनको भी ये तारें टच कर लेती हैं। कोई कंडा तार लगी हुई है, कोई ये दुई तार है बाइंडिंग वाली तार लगी हुई है कि सरहदी जिला पुंछ में कई अहम तामीराती मंसूबे इस वक्त भी तश्न तकमील हैं जिसकी वजह से कसीर आबादी मुतासिर हो रही है। साल 2014 में तबाहकुन सैलाब के दौरान भी इसी तरीके से मुख्तलिफ पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा और सबसे ज्यादा मुतासरा पुलों में से एक नंगाली ब्रिज भी था। इस बीच साल 2014 में आए सैलाब की वजह से इस पुल को नुकसान पहुंचा। कुछ देर बाद तमाम चीजें दोबारा ठीक जरूर हुई लेकिन पुंछ का एक अहम पुल नंगाली साहब पुल कहलाने वाला जो मंडी के दूरदराज इलाकों के साथ साथ बांडी चीचियां और दीगर कई इलाकों को मिलाता है और अहम मजहबी मकामात की जानिब ये सड़क जाती है, बावजूद इसकी मुरम्मत अभी तक नहीं हो पाई और पुल आज भी आरजी बुनियादों पर काम जिससे चलाया जा रहा है लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। बेशतर इलाकों के अंदर जहां पर इस सड़क के जरिए लोग सफर करते हैं और स्ट्रेटेजिक एतबार से भी ये सड़क काफी अहम मानी जाती है। सैलाब के दौरान एक तरफ पुल गिर गया और कुछ देर बाद फौज ने इस पुल को आरजी तौर मरम्मत इसकी कर दी लेकिन 2021 तक आज पुल की तामीर नो पर कोई काम हुकूमतों की जानिब से नहीं किया गया। कई वुजरा भी दौरा करते रहे जम्मू कश्मीर का लेकिन कोई गहरी दिलचस्पी उन्होंने नहीं ली। इस बीच पूरा इलाका सख्त मुश्किलात से दोचार है और दिफाई एतबार से अहम राबता सड़क माने जाने वाली सड़क राबते के ऊपर भी इसके मनफी असरात मुरतब हुए। 2014 में फ्लड आया और 2014 में फ्लड में ये पुल बह गया था और भी बड़ा नुकसान हुआ था, तो काफ़ी एरिया बह गया था, ये भी बह गया था। मैं हैरान हूँ कि ग्रिफ वालों, ये ग्रिफ के अंडर रोड है ये, और ग्रिफ को हमने सीईओ साहब से ही मिले, 2-3 बार मिले, ऊपर तक हमने जो एडवाइज़र आते रहे, हम बात करते रहे। देखिए ये एक बैड सिग्नल जाता है अगर ये पुल नहीं बनेगा। देखिए उसी तरह इसको तो खस्ता हालत में वो पुल है, तो ये पुल सीईओ साहब को, डिफेंस मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। ये आके ये डिफेंस की रोड भी है यहाँ पे, ये हमारे लोगों की रोड है, यहाँ पे जम्मू रोड जाती है, श्रीनगर जाती है, लोग श्रीनगर लोरन जाते हैं, मंडी जाते हैं,
बूढ़ा अमरनाथ यहाँ पे है जी, साईं बाबा की रोड यहाँ पे है। तो अगर इस किस्म के ये हालात होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी गलत बात है, और हम इसे हम चाहेंगे कि देखिए, गडकरी साहब एक माने हुए मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने एक इनकलाब लाया सड़कों में। देखें ये मगर रोड, ये नेशनल हाईवे है जी, ये हम सुनने जा रहे हैं कि ये उड़ी की रोड भी वो लेने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं। मैं तो गडकरी साहब से अपील करूँगा खजारा, हालांकि ये लगता है कि उनके अंदर ये नहीं है डिफेंस, हम ये चाहेंगे गडकरी साहब कि आप इंटरफेरेंस करें। 2014 में जो फ्लड आया था, वो जो हमारा पुल था जो नंगारी का, उसका एक पाया वो डैमेज हो चुका था। बार बार हमने अपील की एडमिनिस्ट्रेशन से, ऊपर तक हमने बात की कि ये ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ से तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, क्या वो नंगारी साहब साईं बाबा जहरे तो यहाँ से मंडी की रोड भी यहाँ से जाती है, सोनकोट यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। उसकी बात है कि जैसे मैंने कहा आपको कि पहले 2014 में जो फ्लड आया उसमें तकरीबन नुकसान जो हमारे पुंछ का बहुत ही हुआ था, शेर कश्मीर ब्रिज का हुआ था, नंगालसा ब्रिज का हुआ था, मंडी में 2-3 ब्रिज हमारे बह गए थे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस नंगालसा ब्रिज को लेकर हम गवर्नर साहब तक भी पहुँचे, हमने हर बार मेमोरेंडम दिया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से पुंछ में आया हमने उसको अलग अलग किस्म के मेमोरेंडम दिए, जो भी लीडरान आए उनको दिए, जो भी ऊपर से आता था हम उसको मेमोरेंडम ज़रूर देते थे। मगर आज अफसोस की बात है कि आज तक उस पुल पे एक रुपए का काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में खास करके पुंछ में अगर आर्मी ना हो तो हमारे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आज तक मिला। चलिए बात पार्लियामेंट के सरमाए इजलास की करते हैं, और बात सबसे पहले हिजब इख्तलाफ की। चूंकि आगे की हिकमत अमली तय पाई है, लेकिन हंगामा बदस्तूर दूसरे रोज भी जारी है, और दिल्ली में हिजब इख्तलाफ की मीटिंग आज सुबह सुबह मुनक्किद हुई। हिजब इख्तलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की क्यादत में मीटिंग हुई जिसमें आगे की हिकमत अमली तय पाई, लेकिन नाराजगी इस बात पर है कि 12 जिन राज्यसभा के अरकान को इनडिसिप्लिन की सूरत में बाहर का रास्ता दिखाया गया है, मुअत्तल किया गया है, उसके खिलाफ नाराजगी काफी ज्यादा है। और इसके बाद क्या आगे इस सरमाई इजलास का, इस सेशन का हिस्सा हिजब इख्तलाफ की जमातें होंगी या नहीं, ये तय करना था। हालांकि तय हिकमत अमली के मुताबिक इस वक्त राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी अपनी बात रखी जा रही है। लोकसभा के अंदर हंगामा एक बार फिर मुअत्तल अराकीन पर हुआ है, हिजब इख्तलाफ ने शोर शराबा काफी शुरू कर दिया है कार्रवाई शुरू होते ही, तो दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर भी इस वक्त कार्रवाई चल रही है और यहां पर भी यह मामला उठाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनने अरकान को मुअत्तल करने का मामला एक बार फिर उठाया और माफी मांगने से कुछ हल नहीं होगा ये भी उनने साफ कर दिया। दूसरा जो उन पर माफी मांगने का दबाव डाला जा रहा है, शिवसेना, कांग्रेस, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस समेत जितने भी ये मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट हैं उन सभी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो माफी मांगेंगे। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन Now coming to the provisions of the suspension of members under provision of sub-rule 1 of rule 256, before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair, are abused the rule of the council. Right, Karge ji, I heard you. No, no, one minute. What you want. No, you sir, can't make a statement. You can't make a statement. Hence, the suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of member so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, I understood. No, please. So I am bringing to your notice. 1 minute. Yeah, please. Half second. No. Take half a minute, no problem. No, 1 minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day.
bringing forward a motion to suspend the members months after the day of occurrence of alleged disorderly conduct right. is not in order. Right, right, sir. चलिए राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त खबर यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस की जानिब से भी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ अरकान ने जहां पर लोकसभा से भी आपसे थोड़ी देर पहले वॉकआउट किया है इस नाराजगी में कि वो फौरी तौर पर यानी राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि उन 12 अरकान को जिनने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा, उनको वापस हाउस के अंदर लाया जाए। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों जो अरकान हैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ शुमाली कश्मीर से मोहम्मद अकबर लोन, और इन तीनों ने वॉकआउट किया है लोकसभा से। दूसरी बात यह कि अब से थोड़ी देर बाद सिर्फ 10 मिनट के बाद राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ हिजब इख्तलाफ की अपोजिशन की एक अहम मीटिंग 10 मिनट के बाद होने वाली, यानी 12 बजे मीटिंग है। उस मीटिंग में उनसे दरखास्त की जाएगी कि वो इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन ना लें जैसा सरमाई इजलास के दौरान पूरे सेशन से बाहर 12 मेंबर्स को निकालने की बात हो रही है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यू कैन पुट फोर्थ योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन इवन अटैक द गवर्नमेंट ऑल्सो, नॉट फिजिकली अटैक द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड देन प्रोटेस्ट ऑल्सो, द अदर वे इज गोइंग टू द पीपल, going to the people, first to place it here in this house and then please go to the people. But I am seeing instead of going to the people, we are going and giving bite and criticizing people who are silent spectators. I have calculated today 93% of the members of the house, they want the house to run this side at this side also, so but they are silent, the majority is silent, handful of people are violent. So how do you reconcile to this reality? This has to be understood by one and all, because it is happening time and again. Morning I was speaking to somebody from interior, I was saying nowadays there is no interest in seeing TV or hear the debates of either parliament or your house or the other house or even the assemblies. This is the comment being made by general people. I am afraid if we continue this trend, if you continue this trend, people will lose their faith in the system, which is very harmful to the country and to the system. Yes, protest, protested, you made your point, you walked out, you got every right to walk out. And I also appeal to the House, when somebody is walking out, please don't make any comments. It is their right to walk out, to talk out democratically, and walk out also, and then go to the people, create momentum, and then the particular government is there, you don't like that government, it is your pressure, go to the people, have their pressure, public pressure, and then you change the government, that also we have no problem. I am not here to defend the government, but I am here to see that the members do not offend the parliament, offend the people. This has to be understood by one and all. These names are there at names at what is this 4141 number bulletin number mein sabka naam hai, in logo ka naam us samay. Another thing is there are instances, as I said, members action was taken for what they have done outside in this house. And I remember during the division of the state of Andhra Pradesh, action was taken on large number of people. So it's not that suddenly I have permitted minister and then some action is taken, and it is wrong to say it's anti-democratic. It is to protect democracy action has been taken. Now we have and also deputy chairman. Deputy chairman and the presiding over the house is chairman of the house. Panel chairman from any party, and they are presiding over the house, they are the chairman of the house. That is the system. Please see to it that the institution is respected.
not because of any individual, it's because of the institution. This has to be understood by one and all. There are set rules, set guidelines, set precedences set by our seniors earlier. They are all there very much. It's not that suddenly this house has come into existence and suddenly I became chairman, you became opposition, or you became ruling. It's not like that, na. This is cycle going on for years together since 1947, 1952 onwards. So there are precedents. Keeping all these things in mind, I hope that everybody will realize, and members who walked out, they will come to the house again, participate in the discussions and debate, and do justice to the mandate given by the people to them and to as well as Mahesh Poddar is there. You have your promote your products of brick, etc., using fly ash and produced by power plants. Sir. चलिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा से वॉकआउट किया है। कांग्रेस और डीएमके के अरकान ने भी कार्रवाई से वॉकआउट किया, लोकसभा से वॉकआउट किया इन्होंने। अराकीन को मुअत्तल करने पर हंगामा इस वक्त चल रहा है और लोकसभा के अंदर जहां पर इस मामले को काफी संजीदगी से लेने पर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हिजब इख्तलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सरकार पर दबाव बनाते हुए राज्यसभा चेयरमैन से एक बार फिर फैसले को वापस लेने की मांग हो रही है कि 12 अराकीन को मौका दिया जाना चाहिए और न कि उन पर इस कार्रवाई के बदले अब उन पर माफी का दबाव बनाया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अराकीन पार्लियामेंट, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और साथ ही शुमाली कश्मीर से नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट भी इस वक्त एहतजाज दर्ज कराते हुए बाहर निकले हैं और महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एहतजाज इस वक्त कराया जा रहा है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दी।